हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे घर की मिर्ची से निकाल के सीड और मिर्ची का प्लांट कैसे उगाएं। तो मिर्ची मैंने ये जो घर में मिर्ची आती है, वैसे तो घर में ग्रीन मिर्ची यूज होती है, लेकिन कढ़ी वगैरह छौंक लगाने के लिए आती है। तो ये समूची मिर्ची भी नहीं, जिस पैकेट में रखा रहता है जिस डिब्बे में, वो निकालते समय जो टूट जाता, नीचे सीड गिरे रहते हैं, वो नीचे सीड को कलेक्ट करके मैंने इस वाले पॉट में, ये देखिए, ये मेरा डिब्बे का जो वो बिस्लरी वाटर की बड़ी वाली बॉटल आती है, तो नीचे का पार्ट काट के मैंने उसमें बड़ा सा प्लांट अपना उसका लगाया है, चंपा का, पुलमेरिया का प्लांट। और ये ऊपर का हिस्सा है, तो इसमें मैं कुछ कुछ सीडलिंग वगैरह लगा लेती हूँ। इसकी मुश्किल से 4 इंच गहराई है। और इसको मैंने, ये देखिए, उसके जो है मिक्सी के जार का स्टैंड बना दिया है, क्योंकि इसका जो ये ढक्कन वाला भाग होता है वो पतला होता, तो रुकता नहीं, इसलिए उसको मैंने स्टैंड बना लिया। तो इसी में मैंने लगाया था, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि इसमें मैंने कॉस्मोस और ये अपराजिता के सीड लगाए थे। और ये कॉस्मोस मैंने लगा के ट्रांसप्लांट कर दिया निकाल के, लेकिन एक आध प्लांट देखिए बचे हैं। लेकिन अब मेन मेरा ये मिर्ची के प्लांट बचे हैं, तो इन्हीं का को मैं आज ट्रांसप्लांट करूंगी। इसमें भुरभुरी मिट्टी डाल के, खूब भुरभुरी मिट्टी हो और 80% मिट्टी हो, केवल 20% खाद मिलाएं, गोबर की या वर्मी कंपोस्ट। और ये सीड जो है इस तरह से निकाल के मैं आपको दिखाने के मारे कह रही हूँ। इसको मिर्ची तोड़ दीजिए, और मिर्ची टूटने के बाद ये देखिए सीड निकलेंगे इसमें से, ये देखिए, ये यही सीड है। आप इसमें बस खाली ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए ऐसे ऐसे करके, और ये अपने आप फिर ऊपर से एक पतली सी लेयर, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर की लेयर आप इस पर चढ़ा दीजिए। फिर इस तरह से आपको, मेरे इसको लगाए 25-26 दिन हो गए हैं, ये मेरी इतनी बड़ी बड़ी सीडलिंग हो गई है। अब आज मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। उनको लगाने के लिए मैंने जो 12x12 के ग्रो बैग मंगाए थे, तो मेरे 6 ग्रो बैग बचे हैं, और बाकी में मैंने कुछ कुछ लगा लिया है। और एक ये देखिए वेस्ट जो सर्फ का पैकेट है, रिन वॉशिंग पाउडर का है, तो ये 4 kg के वाला है। तो इसकी भी गहराई, बल्कि ये 12 इंच है, इसकी 15 इंच है, थोड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है। और इसमें भी मैंने वही मिट्टी भर दी है, सब में मैंने पहले ही मिट्टी 3-4 दिन पहले ही भर के रख दी थी, और पानी भी डाल दिया था, जिससे कि मेरी मिट्टी एकदम खाद मिट्टी सब एक में मिल जाए। तो इसमें मैंने मिट्टी कैसे बनाई थी, अपनी गार्डन साइन गाय के गोबर की खाद, जिसको आप लोग काउडंग कहते हैं। और इसमें देखिए मैंने राइस हस्क भी मिलाया है, राख, नीम की खली, सब मिला के मैंने ये मिट्टी तैयार की थी। मैंने 2 बोरी मिट्टी तैयार करी थी। तो कुछ मैंने सब्जियां जो आपको खीरा है, कद्दू है, लौकी है, लगाई, यूज हो गई। और ये 6 मेरे, ये 7वां, 6 ग्रो बैग और 7वां ये वेस्ट प्लांटर मेरा, इसी में मैं आज लगाऊंगी और लगा के आपको दिखाऊंगी। देखिएगा मिर्ची इतनी लगती है, मैंने 1 बोरी में लगाई है और मिर्ची इतनी। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड, सीडलिंग अगर आप तैयार करते हैं किसी, मतलब ज़्यादा सीडलिंग एक ही पॉट में, तो आपको निकालने से पहले मिट्टी में पानी डाल देना चाहिए। और पानी डालने के बाद आपको सावधानी पूर्वक ऐसे चम्मच ले लें और इसके ऐसे किनारे किनारे बनाएं, इसको रूट बॉल सहित निकालें कि इसकी रूट बॉल, रूट बिल्कुल ना डैमेज हो। जब लोग कप वगैरह में लगाते हैं, वो डिस्पोजल ग्लास वगैरह में या सीडलिंग ट्रे में,
तो आपने पलट दिया, वो रूट बॉल सहित निकल आया। लेकिन इसमें निकालने में काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि इसकी रूट बॉल ना डैमेज हो। तो एक प्लांट अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब एक एक में मैं दो दो प्लांट लगाऊंगी, दो दो प्लांट लगा क्योंकि इतने सारे हैं और पॉट मुझे कहाँ से मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो एक एक में मैं दो दो लगाऊंगी। देखिए जड़ कितनी अच्छी बनी है और इनकी जड़ बिल्कुल टूटी नहीं, जड़ सहित ये रूट बॉल सहित मैंने निकाल लिया है। अब इसी तरह से मैं सारी सीडलिंग लगाऊंगी और लगा के फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने सातों पॉट में, अरे ग्रो बैग में मैंने लगा दिया है। एक एक में दो दो सीडलिंग मैंने ट्रांसफ़र किया है और देखिए कितना बढ़िया से लग गया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दूंगी क्योंकि कुछ ग्रो बैग की मिट्टी गीली है, तो बहुत थोड़ा ही थोड़ा पानी डालूंगी कि जिससे कि रात भर में ये जो है मिट्टी जड़ें मिट्टी को पकड़ लें, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना ज़रूरी है। और जिसमें सूखी मिट्टी, इसको मैंने अभी भरा है तो इसमें मैं ज़्यादा सा पानी की पूरी मिट्टी गीली हो जाए क्योंकि अब गर्मी बहुत होती है। सारे पौधे पानी से ज़िंदा रहते हैं, गर्मी भर दोनों टाइम पानी दीजिए तो भी कम ही रहता है। तो फ्रेंड देखिए, सात आठ पॉट में मैंने लगा दिया, तब भी मेरी ये देखिए इतनी सीडलिंग बच गई है। तो कोई बात नहीं, बच गई है तो मेरे पास ग्राउंड में भी जगह है। 1000 स्क्वायर फीट का मेरा प्लाट है जो कि उसमें भी मैं सब्जियां लगाती हूँ, कभी कभी मैंने आपसे शेयर किया है, तो वहीं ले जाके अब खाली हुआ है तो मैं उसमें लगा दूंगी। बैंगन जो पुराने लगे थे, मटर वगैरह का तो खाली हुआ है तो उसी में मैं लगा दूंगी। किसी दिन मैं वहाँ का भी आपसे शेयर करूंगी। वहाँ मैंने लाल चौराई, हरी चौराई, भिंडी और लौकी, काफ़ी चीज़ वहाँ भी मैंने लगा रखा है, टमाटर बैंगन। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।